दोस्तों, जिंदगी की हकीकत को हमने इतना जाना है, दर्द में हम अकेले हैं, खुशियों में सारा जमाना है। दोस्तों, वैसे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव सा लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी असंभव काम को संभव करके दिखा देता है तो हमें लगता है कि यार वो बहुत लक्की है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो ज़रूर से आप सफलता के शिखर में पहुँच सकते हैं। तो हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सौरभ और चैनल पैशन ऑफ ड्रीम्स में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी हम सभी ने कभी की ही नहीं, क्योंकि कोई भी काम असंभव नहीं होता बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हम उसे असंभव कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी ने 300 रन बना लिए तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच पर रन तेजी से बनने लगे और आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत मामूली सी बात है। अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक बनाने पर बहुत तारीफें होती थी और वनडे में दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था, उसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ा और वनडे में 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। और ये कहानी यहीं नहीं रुकी, कुछ ही दिन बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने भी दोहरा शतक लगा दिया। इसके बाद 200 रन कई लोग अब बना चुके हैं। तो मित्रों, असंभव तो कुछ था ही नहीं बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया, और किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना, एक ना एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ यही बोलेंगे कि यार वो तो लक्की है। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही। असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर जाता है। तो मित्रों, असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और वहीं असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हों और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा। लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो अरबपति और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले हेनरी फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता। लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। और वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल ही नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे, लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचिए कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते तो, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाते तो क्या होता? तो शायद हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, विफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बहुत सही बात कही है कि विनर्स नेवर क्वाइट एंड क्वाइटर्स नेवर विन। कहने का मतलब है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। हम सभी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलक्की समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हम सभी ऐसा क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना? फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है, इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा ना किसी को कभी मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है ना, हर काम अपने समय पर ही होता है, क्योंकि वक्त आने पर ही बीज से पौधा अंकुरित होता है और वक्त के साथ ही पेड़ बड़ा होता है, वक्त आने पर ही फल भी लगेंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी में मेहनत करते रहिए, वक्त आएगा तो फल अवश्य मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो से आपको ज़रूर से मोटिवेशन मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।